लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। देश की हालत आपको दिख रही है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 8 बजे रात नोटबंदी की, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द किया। आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके घरों से आपके जेब से आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने GST लागू की, कहा सबको फायदा होगा, एक टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। GST लागू हुई, पता लगा 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। वो जो करना चाहते हैं वो सीधे तरीके से नहीं बताते, उनको सिर्फ यहां आना था और कहना था मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता हूं, मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को मारना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं, ये कह देते। क्योंकि GST ने और नोटबंदी ने यही किया, काले धन को कुछ नहीं हुआ, मगर जो आपकी प्लाईवुड इंडस्ट्री है वो बंद हो गई। और ऐसे देश में हजारों इंडस्ट्रियां एक के बाद एक बंद हो गई। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े सबसे अमीर उद्योगपतियों का काम करते हैं। मैंने लोकसभा में बोला सरकार हम दो हमारे दो की है, इसमें सिर्फ 4 लोगों का फायदा होता है, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, किसान, मजदूर, इनके लिए यह सरकार कुछ नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपसे कहा था, याद होगा आपको, कि गैस के सिलेंडर का दाम कम करेंगे, याद है आपको? बोला था नहीं बोला था? यूपीए के समय कितने रुपए का मिलता था, कितने का? आज कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400, एनडीए के समय 900। और नरेंद्र मोदी जी आपसे आके कहते हैं कि देखो मैंने गैस का दाम कम कर दिया, हर घर में मैंने गैस पहुंचा दी। फायदा किसको हुआ? हमारी माताएं बहनों को नहीं, गरीब परिवारों को नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वही 2-3 उद्योगपतियों का फायदा हुआ। आपके जेब में से पैसा निकला और सीधा उनके जेब में गया, या उनका टैक्स माफ होता है, उनके लोन माफ होते हैं, आपका कुछ नहीं होगा, यह सच्चाई है। और इसलिए इस चुनाव में हमने आपको 5 गारंटी दी है। मैं जानता हूं कि यहां पे चाय मैदान में काम करने वाले मजदूर हैं, यहां महिलाएं आई हैं, हमने आपके लिए 5 गारंटी देने का वायदा किया है। मैं ये गारंटियां आपको पढ़ना चाहता हूं। पहली गारंटी, जो ये CAA है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आप देखिए, बीजेपी ने इसको लागू करने की कोशिश की,
कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश में इनके खिलाफ खड़ी हो गई और हमने सीएए को देश में रोका। और मैं पहली गारंटी आपको दे रहा हूं, असम में सीएए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कांग्रेस। दूसरी गारंटी आपको याद होगा, बीजेपी ने आपसे वायदा किया था चाय मजदूर को 351 रुपीस बीजेपी ने देने का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? कितना मिल रहा है, कितना मिलता है आज? कितना? 165। दूसरी गारंटी हमारी यह है, 365 आपको मिलेगा, 365 रुपया आपको मिलेगा। अब देखिए, हम में और मुझ में और बीजेपी में फर्क देखिए। बीजेपी अलग अलग वायदे करती है, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई नया वायदा कर जाते हैं। मैं जो बोलता हूं मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलने आया हूं। आप जाइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ, पंजाब में चुनाव हुआ, आप मेरे वहां भाषण देख लीजिए। मैंने चुनावी भाषण में 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था कि इन स्टेट्स में किसान का कर्जा माफ होगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, अगर यहां पे कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना, मेरा वायदा है, उसका नहीं, मेरा वायदा है कि 365 रुपए आपको मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस। चेक करना है, चेक करना है तो छत्तीसगढ़ में चले जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में जाइए, वहां पे आपके कोई जान पहचान के लोग होंगे, उनसे पूछिए। चुनाव से पहले राहुल गांधी आया था, राहुल गांधी ने कर्जा माफी की बात की थी, क्या हो गया? आपको जवाब मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जाके पूछिए किसानों को धान के लिए क्या दाम मिलता है, आपको वो जवाब दे देंगे, 2000 रुपए मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने यह काम किया। तो हमारी दूसरी गारंटी, 365 रुपए चाय मजदूरों को मिलेगा। तीसरी गारंटी, 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त में कांग्रेस पार्टी देगी। चौथी गारंटी, महिलाओं को 2000 रुपए महीने का कांग्रेस पार्टी देगी। और पांचवा वायदा, शायद सबसे जरूरी वायदा, पूरे देश में आप जाइए, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप जाइए, हर स्टेट में बेरोजगारी बढ़ा दी है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो छोटे मिडिल साइज बिजनेस हैं, नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया, किसानों पर यह आक्रमण चालू कर दिया इन्होंने, 3 नए बिल लाए हैं, किसानों का जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरे देश में इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। और इसलिए हमारी पांचवी गारंटी है कि असम में
हम आपको 5 लाख रोजगार देंगे। कैसे देंगे यह भी बता देता हूं। बहुत सारे सरकारी रोजगार आज वैकेंसियां हैं, उन सब वैकेंसीज को हम भर के दिखा देंगे। और जो पहले हमने असम के लिए किया था, बिजनेस के लिए जो हम इंसेंटिव देते थे, जो टैक्स रिलीफ देते थे छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, किसानों के लिए, वो हम फिर से आपको देंगे। और जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, जैसे यहां पे आपका प्लाईवुड का बिजनेस है, उन बिजनेसेस की हम मदद करेंगे, उन इंडस्ट्रीज की हम मदद करेंगे। और पूरे असम में लाखों युवाओं को हम रोजगार देने की गारंटी देते हैं आपको। और शायद सबसे जरूरी बात जो बीजेपी ने असम में की है, और सिर्फ असम में नहीं पूरे देश में ये करते हैं, जो आपकी संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपका इतिहास है, आपका भाईचारा है, इस पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण करती है। हम आपकी भाषा की, आपके ट्रेडिशंस की, आपकी संस्कृति की, आपकी हिस्ट्री की रक्षा करना चाहते हैं। यह जो प्रदेश है, यह आपका प्रदेश है, इसको नागपुर से नहीं चलाया जाना चाहिए। पूरा का पूरा असम यह दूसरों को पकड़ा रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं। आपका यहां पे एयरपोर्ट था, गुवाहाटी में एयरपोर्ट है, 2000 करोड़ रुपए असम को सरकार ने दिया था, एयरपोर्ट भी देके अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो जो आपका है यह आपसे छीन कर उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों को देते हैं। एयरपोर्ट हो, टी गार्डन्स हो, जो भी आपका है उसका पैसा ये आपसे छीन के ले जाते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, महाजोत की सरकार आएगी, आप सबकी सरकार होगी, आपकी रक्षा करेगी, गरीबों की रक्षा करेगी, कमजोरों की, किसानों की रक्षा करेगी, और जो आपका है वो आपको दिलवाएगी। आपका पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और आपके विकास में जाएगा, 2-3 बड़े उद्योगपतियों के जेब में नहीं जाएगा। ये हमने आपको 5 गारंटी दिए हैं। मिलकर हम असम को एक बार फिर विकास के रास्ते पे लाएंगे, एक बार फिर यहां पे शांति होगी, भाईचारा होगा और नफरत को हम मिटा देंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में जय आए अहम। धन्यवाद।